जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। जैसे कि आप लोग कुछ जानते हैं कि केमिस्ट्री आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, जिसमें आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये सारे जो है टॉपिक्स आते हैं। तो आज आपको मैं एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और आप लोग इन क्वेश्चन का लेवल चेक कर लीजिएगा कि क्या लेवल है, और आपको ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो आइए सभी साथी जुड़ जाएंगे मेरे साथ। सभी तो पहले तो गुड इवनिंग गाइस, और आपका राधे राधे। जो भी बच्चा जुड़ चुका है हमसे, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है। क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा जो है या कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को जो है क्या करती, अवरुद्ध करती है। निम्न में से कौन सी गैस जो है क्या है, पराबैंगनी किरणों को अवरुद्ध करती है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्या हर साथी बता पाएगा कि सर जी यहाँ पर क्या हाइड्रोकार्बन साथ साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन के साथ नाइट्रोजन आपका चलिए यहाँ पर पराबैंगनी किरणों के अवरुद्ध करती है, तो आपका O3 होगा। क्या होगा? O3 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओजोन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष क्या आ रहा है। बोला है कि जरा नोट करिएगा साथियों, इसमें बोला है कि 0.5 आपकी मोलरता जो होती है, मोलरता ऑक्सीजनिक अम्ल की जो है नॉर्मलता होती है 0.5 या फिर 1 या फिर होगा 2 या फिर होगा 3। देखें आपका इसे कैसे बना पाएंगे, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर नोट करेगा मोलरता मल्टीप्लाई आपकी क्षारीयता, ठीक है। क्षारीयता और मोलरता, क्षारीयता क्या बोलते हैं, मोलरता निकाले, क्षारीयता दी है आपको 0.5 और 2 क्या है आपकी क्षारीयता है, तो क्या हो जाएगा ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आधा और आधा हो जाएगा 1, राइट आंसर नोट कर लेना, 1 इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा। क्या होगा? 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर चलिए आपका जिंक और टीन के बारे में आपसे बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक आप लोग को नोट करना है, जिंक का, ठीक है, और SN का, दोनों का। अगर बात करें पहले गलनांक की, किसकी बात करें पहले गलनांक की, तो ये होता है 420 तो जिंक का होगा, और SN का कितना होगा, 232 होगा डिग्री सेल्सियस में दोनों ही। क्वथनांक की बात करें तो 970 किसका होगा आपका, 970 होगा जिंक का, और SN का होगा 2623, तो ये नोट करना। तो देखिए ये धात्विक ठोस है, धात्विक तत्व है, या फिर अधात्विक ठोस है, या फिर आपका अधात्विक द्रव होंगे, तो क्या राइट आंसर बन जाएगा आपका, ये आपके धात्विक ठोस होंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये नोट कर लेना आप लोग, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तंत्र की कुल ऊष्मा कहलाती है, तंत्र की कुल ऊष्मा कहलाती है, तो तंत्र की जो आपका एक एंथैली आंतरिक, ठीक है, एंथैलिक आंतरिक ऊर्जा व कार्य का योग ही क्या होता है आपका जो है दाब पर निर्भर नहीं करती है। मतलब मान के चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कि वह आपका एंथैली में परिवर्तित और ऋणात्मक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इन दोनों का मिक्सअप होती है, कौन सी आपकी एंथैली अभिक्रिया, तो नोट करना जिन साथियों ने आंसर लगा पाए। ए क्या होता है, H=2 जो होता है E+ जो होता है आपका PV होता है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हर बच्चा सीख पाएगा, समझ पाएगा, और आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड करें बिल्कुल बना पाएंगे। देखिए सर जी आपका क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। बोला गया कि निम्न में से कौन सा जो है लुई अम्ल है, ठीक है, लुईस का अम्ल है, कौन सा लुईस अम्ल है, कौन सा नहीं है बोला गया, ठीक है बच्चा, कौन सा है नहीं है। तो लुईस अम्ल की बात करें तो वे पदार्थ होते हैं कि जो आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन, जो आपके एकांकी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके युग्मक को ग्रहण करते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर BF3 है, SNCl, चलिए ये सब क्या है सर जी, तो ये दोनों के दोनों क्या है, यह जो है लुईस अम्ल होते हैं, और कौन सा नहीं होता, तो आपका NH3 नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो आप सभी लोगों ने अगर आंसर सी किया है तो बिल्कुल आपका सही है। जो आपका SN है साथियों ध्यान रखना, SN जो है डी ब्लॉक में रहता है, ठीक है। चलिए आगे देते हैं और सभी लोग कर पाएंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं। ए और बी ये भी दिया था,
कौन सा जोड़ा सम आयनन विभव प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं करता है ये हमसे बोला गया है। तो नोट करने का जो आपका के जो है पोटेशियम क्लोराइड और आपका सोडियम क्लोराइड, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये जो है क्या करते हैं, आयनन प्रभाव जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं। और हर बच्चा इस क्वेश्चन को नोट कर पाया होगा, हर बच्चा को ध्यान रखना है। उसी तरीके से आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला गया है कि वे वीडियोधर्म पदार्थ का अर्ध आयुमान 140 दिन है, तो आपका 560 दिन पश्चात उसकी जो है कितनी मात्रा बचेगी, 1/4, 1/8, 1/18 या फिर 1/2 होगा। तो कुछ नहीं करना है हमें, क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ करना है 560 अपॉन 140। देखिए साथियों सॉल्व हम करते हैं, क्या करना पड़ेगा, n अपॉन में n जीरो ये होगा 1/2, ठीक है। तो देखिए 1/2 करेंगे और ऊपर में लगेंगे हम 560 अपॉन में 140, जीरो से जीरो कट गया, ये कितना कट जाएगा, 4 टाइम कट जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो 2 × 4 = 4, 8 × 16 राइट आंसर क्या बन जाएगा, 1/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। कैसे किया तरीका आपको पता होना चाहिए, आप लोग बिल्कुल इसे बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या किया इसने, अर्धकाल बोला है, कितना काल बोला है उसने, अर्धकाल, अर्धकाल मतलब ये पूरा वर्ष और आधा वर्ष मतलब 1/2, हाफ बोला है, नहीं देखिए यहाँ पर हाफ बोला है इसलिए 1/2 किया है, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा क्या है गहन गुण है, निम्नलिखित में से गहन आपका गुण कौन सा है, तो ताप एक क्या है गहन गुण होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिसने भी टेम्परेचर आंसर लगाया ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अन्य तीन जो दिया है यह आपके इसके गुण नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए के पी और जो है बड़ा है छोटा है किससे, के सी से, बताइए आप लोग यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये क्या है ये सर जी, तो ये गैसीय उत्पादन का मोल, ये गैसीय उत्पादन का मोल है, और ये क्या है आपका केसी, तो ये गैसीय अभिकारक का मोल होता है। तो नोट करिएगा साथियों यहाँ पर जो N2 है, N2 प्लस H2 ये बनाएगा NO आपका 3 बनाएगा। कैसे हमने संतुष्टि किया इसकी, तो देखिए यहाँ पर H कितना है सर जी, H है आपके पास कितना, H है आपके पास 3 × 6, तो यहाँ पर देखिए H है तुम्हारे 3 × 6, N कितने हैं तो N2 है, क्या ये संतुष्ट हो गया है क्या, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, ठीक है। क्या है डी करेक्ट है ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए ये संतुष्ट नहीं है इसलिए ये गलत है, आपका संतुष्ट है तो ये आपका डी संतुष्ट है यहाँ पर। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन सा तत्व जो है मनुष्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सोडियम, जिंक, मैग्नीस या फिर Fe होगा, बताइए। मनुष्य में सबसे ज़्यादा जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, सोडियम पाया जाता है क्या, मैग्नीज, चलिए Fe या फिर आपका जिंक होगा। चलिए क्या आपके शरीर में जो है Fe पाया जाता है क्या, आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, ठीक है। चलिए क्या सबसे ज़्यादा आपके शरीर में आयरन की मात्रा होती है क्या, चलिए अगर यहाँ पर चले फास्फोरस भी देता तो बिल्कुल सही है, चलिए कैल्शियम और फास्फोरस की ज़्यादा मात्रा होती है, पर चलिए तो आप लोग आयरन लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्वांटम संख्या का कौन सा समुच्चय संभव नहीं है, क्वांटम संख्या का कौन सा समुच्चय सत्य नहीं है ये आपसे बोला गया है। तो N1 होगा, L1 होगा, M1 होगा और S1/2 होगा, तो क्या फर्स्ट ही राइट आंसर होगा क्या, बिल्कुल, चलिए यही आपका राइट आंसर होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। N1 होगा, L1 होगा, आपका M1 होगा और S=1/2 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है और हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी
कौन सी सिक्का धातु जो है कहलाती है। सिक्का धातु बोला गया है तो देखिए आपका CuAg और आपका Au ये क्या होती है, सिक्का धातु होती है और ये किसके अंतर्गत आती है, Ib समूह के अंतर्गत आती है। ठीक है, सिक्का धातु आपका चलिए आपका Cu होगा, Ag होगा, आपका कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, और चांदी है, ये सब क्या है आपकी सिक्का धातुएँ होती है। वाष्प धातु की बात करें तो वाष्प धातु अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, अगर आपको वाष्पशील धातु बोला जाए तो जिंक होगा, कैडमियम होगा, चलिए, और आपका पारा होगा। अगर फेरक धातु बोला तो यफ ही होगा, कोबाल्ट होगा, साथ में निकिल होगा, ये कौन सी है, फेरस धातु होती है। तो क्षारीय, अगर क्षारीय धातु बोला आपका क्षारीय मृदा धातु होता है तो ये आपको जो फर्स्ट ग्रुप है ये क्षारीय मृदा धातु है। तो ये आपको पीरियोडिक टेबल मैंने बता चुका है अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े और पढ़ रहे हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग आपका अग्निशामक के रूप में किया जाता है, तो अग्निशामक के रूप में हम लोग जिसका यूज़ करते हैं वो करते हैं CCl4 का। CCl4 क्या है ये भी तो पता होना चाहिए, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है बच्चा, कार्बन टेट्रा जो है क्लोराइड है, ठीक है, सभी लोगों ने नोट किया, ये अग्निशामक जो है होता है। ब्राउनी गति के लिए कौन सा कथन सत्य है, ब्राउनी गति के लिए कौन सा कथन सत्य है ये हमसे बोला गया है। देखिएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन ने इस गति को देखा है, गैसों का गति सिद्धांत जो है यह सिद्धांत सिद्ध हुआ है। परिक्षेप्त माध्यम में कण टकरा मतलब जो है टक्कर मारते हैं या उपयुक्त सभी होगा। तो जो कोलाइड विलयन होता है ब्राउन का जो ब्राउनी गति है जिसमें कोलाइड विलयन के बारे में कहा गया है, तो जो कोलाइड विलयन है यह परिरक्षित प्रावस्था के कणों पर क्या होता है, परिरक्षित और जो है माध्यम के कणों को टकराता है। तो राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, ये तीनों जो है नियम यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑब्वियसली आप लोगों ने यह सही कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा, यदि जो है AgNO3 विलयन को कापर जो है छड़ रख ही जाए तो क्या होगा, आप लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पर ये बनेगा AgNO3, इसके साथ जो है अगर Cu मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सर जी Cu जो है NO2 और ट्वाइस 2 की लगेगी यहाँ पर, प्लस Ag को बाहर निकालेगा। ये कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये क्या आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, क्या विस्थापन अभिक्रिया, तो सर जी बताया है, तो ये इस तरीके से क्या करेगी, ये रंगहीन नीला पदार्थ देगी। कैसा पदार्थ देगी, यह जो है सर जी नीला पदार्थ देगी, ये विलय का रंग नीला कर देगी। राइट आंसर आपका क्या होगा सर जी, बी होगा। ठीक है, सभी लोगों ने कर लिया है क्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, पूरी रिएक्शन आपके समक्ष है, इस तरीके से रिएक्शन बनेगी अगर कापर की छड़ी इसमें रख दी जाए तो ये नीला रंग इसका हो जाएगा। आगे आते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कि इलेक्ट्रॉन के क्या बोला है, कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं। तो देखिए मिनिकन तेल जो है बूंद का प्रयोग द्वारा, या फिर E/m अनुपात के द्वारा, इलेक्ट्रॉन और ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन पर मीटर अनुपात के द्वारा, या फिर होगा आपका थाइसन प्रयोग के द्वारा, या फिर आपका कैडमियम व एनोड किरणों के परीक्षण के द्वारा, तो क्या आंसर बन जाएगा, चलिए क्या आंसर आप लोग लगा पाते हैं। तो जो मिलिकान तेल जो होता है इसकी विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश जो है आपका होगा मिलिकान तेल बूंद का प्रयोग द्वारा, क्या होगे ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और जो आपका E/m है यह समस्थानिक को मिलता है, ठीक है, कहाँ समस्थानिक में मिलता है ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे देख कॉपर का कार्बोनेट आयन होता है, तो आपका कौन सा होगा, कॉपर का कार्बोनेट आयन बहुत ही शानदार है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या होगा आपका मेलेकाइट सीडेराइट और आपका केलामाइट, ये जो है आपका राइट आंसर होगा। कॉपर का जो है कार्बोनेट एस कौन सा है, तो आपका केलेमाइट होता है। क्या होता है केलेमाइट, मतलब चलिए तो देखिए एक होगा इसका क्या होगा CuCO3 जो है डॉट CuOH होल ट्वाइस टू का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए आगे देखिए कैल्शियम आपका कार्बाइड के जल अवघटन पर क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन या फिर आपका जो है इथाइलिन या फिर आपका मेथेन या फिर सर जी एथेन होगा।
बताइए। तो देखिए नोट करिएगा, क्या पूछा है आपको, कार्बस कैल्शियम जो है कार्बाइड, क्या बोला है, कैल्शियम कार्बाइड की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड जो आपका एसिटिलीन होता है, क्या होता है, एसिटिलीन, अगर आपको देता है इसी के साथ, ठीक है, मेथेन यहाँ पर नोट, मेथेन का क्या होता है, तो मेथेन होता है आपका बोरियम कार्बाइड, क्या होता है, नोट करेगा, बोरियम नहीं बेरिलियम कार्बाइड होता है, और वैसे ही आपका जो है कौन सर जी, आपका एथेन, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है, ठीक है, एथेन क्या होगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड, तो राइट आंसर नोट करना, आपका सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा, ये आप लोग को ध्यान करना है, ध्यान रखना है। देखिए एक रिएक्शन दिया आपका, चलिए RCONH2 के साथ अगर हम लोग चलिए Br को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगी, ये रिएक्शंस आपको दी हुई है, तो इस अभिक्रिया में क्या बनेगा, तो हाफ मेन ये जो है ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है, तो आपका सी आंसर बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग यह कर पाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से जो है किसकी पीएच मान उच्चतम होती है, किसकी पीएच मान उच्चतम होती है, सबसे अधिक किसकी होती है, तो ये होगी आपकी 0.1 ये वाली, ठीक है, क्या होगा, NaOH, चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली, ठीक है, क्या होगा, NaOH, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है, और हर साथी बिल्कुल कर पाया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल होता है, ये तो फिर सिंपल क्वेश्चन बोल लीजिए आपसे, प्रबल अम्ल कौन सा होता है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आप लोग जानते हैं, नोट करना चाहते हो, प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल जो है बढ़ते हुए क्रम में होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, HClO होगा इसका राइट आंसर, ओके। आगे देखिए रेडियो बोला है कि जो है किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध युग्मक काल निर्भर करता है, तापमान पर, सांद्रता पर, दाब पर, या जो है इनमें से किसी पर भी नहीं करता है। नोट करिएगा जो रेडियो पदार्थ का प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, और यह जो है, ठीक है साथियों, यह क्या करता है, यह अर्धचक्र के समय और आपके अर्ध अनुकाल पदार्थ के प्रारंभिक जो है सांद्र पर निर्भर नहीं करता है, तो मतलब आपका किसी पर भी नहीं करता है, ये इसका सत्य आंसर बन जाएगा, किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, ये इसका सत्य आंसर है, और बिल्कुल आप सभी लोग कर पाएंगे। नोट करना, आपसे बोला है कि कार्बोलिक, ठीक है, कार्बोलिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, आपका मेथेनॉल अम्ल है, या फिर आपका एथेनॉल, या फिर आपका जो है फिनॉल है, वो होते हैं, बताइए, तो आपको पता है फिनॉल जो है कार्बोलिक अम्ल होते हैं, ठीक है, क्या होगा, फिनॉल जो होते हैं ये कार्बोलिक अम्ल होते हैं, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ पाया होगा, ठीक है, क्या होगा, इस तरीके से सर जी आपने पढ़ रखा होगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक रिएक्शंस दी है, इसमें बोला है IUPAC नाम क्या है, बताइए IUPAC नाम से बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका इथाइल होगा, मेथाइल होगा, और आपका चलिए ब्यूटेन होगा, राइट आंसर नोट करना, डी आंसर इसका सत्य होगा, चलिए C2H5 होल ट्वाइस, और फिर सी जो है CH2 है, फिर CH2OH है, और इसका IUPAC नाम बोला गया था, और आप लोग हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाया होगा। आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है आप लोगों से कि निम्न में से, क्या बोला सर जी, कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, नाइट्रो सेलुलोज, रबर, या फिर आपका बेकेलाइट, या फिर होगा टेफ्लॉन, क्या आंसर बना पाएंगे, चलिए क्या आंसर बना पाएंगे, क्या आप लोग नोट कर पाएंगे, क्या आंसर होगा, आइसोप्रीन एक बहुलक होता है, क्या होगा, आइसोप्रीन एक क्या होता है, बहुलक होता है, तो राइट आंसर नोट कर दीजिएगा, आपका क्या रबर है, और ये प्राकृतिक रबर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो राइट आंसर होगा आपका यह प्राकृतिक रबर बनाते हैं, ठीक है, और यह सभी लोग आपको जानते हैं, और यह आप लोग पहचानते हैं किसे, रबर को। आगे देखिएगा, बोला गया कि इनमें से किस अणु में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन बंध किस में अनुपस्थित होते हैं, ये बोला है साथियों, ये जो है 15-20 से 25 मिनट की जो क्लास है इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको सिर्फ पढ़ना है, इसलिए ये क्लास दी जाती है, तो आप लोग ज़रूर इसे थोड़ा मन लगा कर पढ़िएगा। नोट करेगा जिन्होंने भी आंसर लगाया है CHCl3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या आप सभी लोगों ने यही आंसर कर पाए क्या, जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्व तत्व, जैसे आपका फ्लोरीन, आपका जो है फ्लोरीन है, या फिर आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये बंध बनाते हैं, ओके, ये हाइड्रोजन बंध बनाने का कार्य करते हैं।
चलिए देखिए, एक दिया है क्वेश्चन, कौन सा जो है अल्कोहल एस्टरीकरण, ठीक है, क्या है आपका एस्टरीकरण आसानी से देता है, तो क्या आंसर हो पाएगा भाई साहब? चलिए मैं आंसर ही बता दूं आपको, मिथाइल जो है, मिथाइल अल्कोहल एसिटीकरण जो है इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा। ओके चलिए आगे बढ़े साथियों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष की 0.2 ग्राम कार्बनिक, 0.2 ग्राम कार्बनिक जो है यौगिकों के दहन पर 0.8 ग्राम जल प्राप्त होता है, तो बोला है हाइड्रोजन प्रतिशत की गणना आपको करना है। क्या है आपका? 10%, 20%, 30% या 40%। अब कैसे कर पाएंगे भाई साहब, अब कैसे कर पाएंगे? बात आती है कैसे कर पाएंगे, तो सर जी हम तो कर ही पाएंगे। जल का द्रव्यमान, क्या बोला बच्चा? जल का मास द्रव्यमान अपॉन में होगा आपका कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान। अब देखिए कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान कितना है हमारे पास जल का, चलिए, और ये होता है आपका 2/18। 2/18 को करना पड़ेगा यहाँ से गुना, 2/18 क्या होगा, 0.18 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, और ये दशमलव का यहाँ पर 1 दशमलव आएंगे और ये दशमलव का यहाँ पर 1 दशमलव, मतलब 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कैसे बना पाएंगे, अगर समझ नहीं आया हो एक बार मैं पुनः समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग को याद लीजिए। क्या होगा? 18 अपॉन में आपका क्या होगा, 2 होगा, ये दशमलव है, तो देखिए मल्टीप्लाई होगा आपका 100। क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, ये देखिए यहाँ 0 का, यहाँ 0 का, यहाँ 0, और जो है आपको क्या ज्ञात करना है, हाइड्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इनको और हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, ये 18 से 18 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो राइट आंसर क्या, 10% आएगा। कितना सर जी? 10%। ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है बच्चा, एक फार्मूला होता है, वो नोट कर लीजिएगा। एच प्रतिशत अगर निकालना है तो, एच प्रतिशत निकालना है तो एक फार्मूला होता है, 2/18 मल्टीप्लाई जल का द्रव्यमान अपॉन में जो है कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान मल्टीप्लाई आपका 100 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ये काम में आने वाला है। देखिए यहाँ बोला है कि CH और आपका C4H10OH के कुल जो है, क्या बोला है, समावयवी होंगे। बताइए कितने होंगे? नोट करेगा सर जी, 7 होंगे। कितने होंगे? 7 होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सभी बच्चा कर पाए हैं? चलिए, सभी बच्चा कर पाया है क्या? बिल्कुल कर पाया होगा। देखिए निम्नलिखित में से, क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्यामितीय समवयता प्रदर्शित की जाती है? आपका ब्यूटीन 2 होगा, या फिर आपका मेलिक अम्ल होगा, या फिर आपका ब्यूटीन 1st, या फिर आपका ब्यूटेनॉल 2nd होगा। साथियों नोट करना, जिन भी साथियों ने लगा पाया है ब्यूटीन 2nd, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपका यह सेशन आज का पसंद आया होगा। 30 क्वेश्चन मैंने करवाया है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आपने 30 में 30 कितने साथियों ने ला पाया है, और जो है आपको प्रतिदिन क्लासेस मिल रही है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइए, समाधान स्टडी पर एक बार विजिट करके देखिए, बहुत ही आपको बेनिफिट होगा। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।